हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने टेलीग्राम ऐप को जो है वो लॉगिन कर रहा था, तो यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इनवैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन नंबर के साथ यहाँ पर इसे लॉगिन कर रहा था अपने टेलीग्राम ऐप को, तो यहाँ पर ये मेरा मोबाइल नंबर ही गलत बता रहा है, इनवैलिड बता रहा है। अगर आपके साथ भी ये समस्या आती है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब मैं इसे जो है फिर से एरो के बटन पर टैप करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए कि लिखा हुआ है इज़ दिस द करेक्ट नंबर, तो मैं येस कर दूंगा अगर, तो यहाँ पर जो है फिर से ये इनवैलिड फोन नंबर का इशू दोबारा से दिखा रहा है, ठीक है। इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मेरा ये टेलीग्राम ऐप का ये आइकन है, ताकि आपको लगे कि मैं टेलीग्राम ऐप में ही ये प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे जो है कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपने नंबर जो है अपना चेक कर लेना है कि वो नंबर एकदम सही होना चाहिए। कई बार जो है हमारे से डिजिट जो है वो गलत डल जाते हैं, जल्दबाजी में नंबर टाइप करते हैं तो डिजिट जो होते हैं हमारे अंक होते हैं वो गलत टाइप हो जाते हैं उसमें, ठीक है। या फिर कोई एक आधी नंबर जो है वो मिस हो जाता है, 9-10 नंबर होते हैं तो वो 8 या 9 नंबर ही टाइप हो पाते हैं, जिसकी वजह से भी वो इनवैलिड बताता है, ठीक है। ये 2-3 रीज़न ये होते हैं। और दूसरा तीसरा ये कि आपने जो है अपने फ़ोन को वह रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अपने फोन के जो पावर बटन को आपको जो है ये प्रेस करके रखना है, तो आपको जो है ये रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको अपना फ़ोन रीस्टार्ट कर लेना है। इससे होता क्या है कि आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, आपकी जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है वो फिर से, जो आपके एंड्रॉयड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो फिर से उसी जगह सेट हो जाती है, अगर आपने कोई भी चेंजेस अगर किए हैं तो, ठीक है। तो छोटी मोटी कोई भी कमियाँ होती है, जैसे हैंग होता है फ़ोन, ये सब भी दूर हो जाती है। तो और इसके बाद जो है आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर के बाद में यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टेलीग्राम, तो यहाँ पर मैं टेलीग्राम टैप कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से, अगर ये अपडेट का ऑप्शन आता है टेलीग्राम का, ये एप्लीकेशन ये प्ले स्टोर में सर्च करना है, ये अपडेट अगर आता है तो इसे अपडेट कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा एप्लीकेशन अपडेट ना होने की वजह से, अपडेटेड ना होने की वजह से काफ़ी सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। तो आपका टेलीग्राम ऐप भी जो है वो अपडेटेड होना चाहिए, अगर सिर्फ अपडेट लिखा हुआ है तो उसे अपडेटेड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितने प्रोसेस मैंने बताए हैं ये सभी प्रोसेस आपको करके देख लेना है, और नंबर भी एक बार आपको ठीक से वेरीफाई कर लेना है टाइप करते समय, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम अपडेट होने देते हैं। ये देखिए अपडेट हो गया। अब मैं इसे फिर से ओपन कर लेता हूँ। अब हम इसे फिर से जो है एक बार लॉगिन करके देखते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपना कंट्री भी सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर मैं इसे एरो के बटन पर दबाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन वेरिफिकेशन का ये वाला पेज अब आ गया, जो कि पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। एक तरीके से हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। ये देखिए कॉल भी आ गया, लेकिन ये कॉल जो है रिसीव नहीं करनी होती है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है कॉल आने के बाद, क्योंकि ये हमारा जो है एक तरीके से वेरिफिकेशन होता है हमारे मोबाइल नंबर का। तो ये कॉल अगर आप रिसीव कर भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि फिर भी मत करना, क्योंकि ऑटोमेटिक ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारा मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाता है। ये मिस कॉल एक तरीके की होती है कि ये फ़ोन जो है वो मतलब है या नहीं है चालू, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आपका इनवैलिड फ़ोन नंबर का इशू आता है आपके टेलीग्राम ऐप में लॉगिन करते समय, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो आप उसे भी यूज़ ज़रूर कर सकते हैं।